हेलो दोस्तों, आज हम लाने जा रहे हैं गर्मियों में ठंडी वाली सब्जी। आज कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, फिर देखा एक सोचा चलो कुछ अलग ही बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, पहले हमने तेल गर्म किया था, उसमें हमने जीरा डाल दिया है। जीरा के साथ में जीरा चटक गया हम लोग का। अब इसमें हम लोग आलू डालेंगे। आलू डाल दिया हमने। अब ये आलू को एक बार हम लोग मिक्स करेंगे, इसको 1 से 2 मिनट तक तेज आंच पे ही इस तरह से भुनेंगे हम लोग। और ये देखिए 2-3 मिनट हमने भून लिया है। इसमें हम लोग हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई, इसको 1 मिनट तक फिर हम लोग भून लेंगे। देखते हैं आज हमारी सब्जी कैसी बनती है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मेरी सब्जी अच्छी ही बनेगी। तो अब ये आलू हो गया है, अब इसके साथ में ही हम लोग इसमें इस तरह से कटा हुआ प्याज डाल देंगे। ये एक बड़े साइज का प्याज था, हमने 2 बड़े साइज के आलू लिए थे। अब इसको मिक्स कर देंगे हम लोग। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे हम लोग इसी तरह से चलाते हुए। और ये 2 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। और फिर इसको हम लोग मिक्स करके 2 मिनट तक और भूनेंगे इसको हम लोग। और हमें अदरक लहसुन भी 2 मिनट भून चुका है। अब इसमें हम लोग शिमला मिर्च और गाजर ऐड करेंगे। और ये गाजर डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। ये शिमला मिर्च भी हमने डाल ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। अब देख के लग रही है ना, ये ठंडी वाली सब्जी बन रही है बिल्कुल। इतनी गर्मी में ठंडा वाला खाना। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर देंगे अच्छे से, मतलब इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे हम लोग। और ये 2 मिनट हमने इसको भी भून लिया। अब गैस की फ्लेम को हम लोग लो टू मीडियम कर देंगे। और इसमें हम लोग कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच के करीब में किचन की मसाला डालेंगे। और ये 1/2 चम्मच के करीब में हम लोग इसमें किचन की मसाला डालेंगे। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादानुसार। हम नमक डालते हैं स्वादानुसार अपने। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग अब इसमें 1 टमाटर भी बड़े साइज के कट करके डालेंगे। 1 बड़े साइज टमाटर को मैंने रफली कट करके डाल दिया है इसमें। और अब ठंड का सब्जी बन रहा है तो उसमें भाई मटर तो होना बहुत जरूरी पड़ता है, इसलिए हम इसमें फ्रोजन मटर का यूज कर रहे हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट तक हम लोग लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। देखिए 3 मिनट तक हमने मसाले को अपने और भून लिया है इस तरीके से। अब इसमें हम लोग 1 गिलास से कम करके पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा न डालें वरना सब्ज़ी आपकी बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे सब्जी के पकने तक और पानी के सूखने तक हम लोग इसको ढक के और बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। और ये सब्जी हमारे पक्के पूरी तरह तैयार है। इसको बीच में हमने 1-2 बार चलाया था। अब ये देखिए बिल्कुल इसका पानी सूख चुका है। इस पॉइंट पे इसमें हम लोग थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये 1/2 पैकेट से थोड़ा सा कमी हमने इसमें मैगी मसाला डाला है। इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे।
ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम लोग रोस्ट की हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग लास्ट में कटा हुआ धनिया डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सब्जी अब फाइनली पूरी तरह से तैयार है। अब इसको एक चम्मच टेस्ट करके देखते हैं क्या ये ठंडी जैसी बिल्कुल बनी है या नहीं। ऐसे खुशबू तो अच्छी आ रही है इसमें। वाह, एकदम बिल्कुल परफेक्ट, जैसे ठंडी में सब्जी बनती है वैसे ही बनी है। आप लोग चाहे तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा।